जी हाँ, अगर हम रिश्तों को यदि उम्र के अनुसार देखने लगे तो हर रिश्ते को जीना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि इसके साथ तो हमें कुछ घंटे ही तो गुजारने, क्यों ना प्यार से गुजार ले। इसके साथ हमें कुछ दिन ही तो गुजारने, क्यों ना प्यार से गुजार ले। आप सोचिए कि जो एक टकराव वाली जो चीजें हैं वो सारी अपने आप दूर होती जाएगी। हमारा एक बच्चे के साथ, एक पेरेंट्स के साथ बच्चे का कितने दिन का रिश्ता है। जब वो छोटा है वो कुछ टाइम घर में गुजारता है, कुछ स्कूल में, बाकी जो दो चार घंटे हैं एक दिन के, यदि एक दिन में वो दो या चार घंटे आपके साथ रह रहा है तो एक महीने में कितने घंटे होते हैं? 25 से 50 घंटे। 50 घंटे में दो दिन, एक महीने में एक बच्चे के साथ एक पेरेंट्स का सिर्फ दो दिन का रिश्ता। ऐसे सोचेंगे तो रिश्ते की उम्र कितनी छोटी है, और क्या छोटे सी उम्र को हम बहुत प्यार से नहीं गुजार सकते। हमको तकलीफ भी वही होती, हमें लगता है इतनी लंबी उम्र हमें इसके साथ बितानी नहीं है। ऐसा हमारे दोस्त हमें एक हफ्ते में दो दिन के लिए मिलते हैं, दो घंटे के लिए मिलते हैं। एक हफ्ते में दो घंटे की उम्र हुई उस रिश्ते की, एक महीने में 6 से 8 घंटे। आप सोचिए कि सिर्फ 8 घंटे अगर आप प्यार से बात करते हैं, साथ रहते हैं, तो पूरे महीने उसकी खुशहाली आपके अंदर बनी रहेगी। वो एक सेटिस्फेक्शन आपको देगा कि यह मेरा वो अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है। बट उस रिश्ते की उम्र कुछ घंटों की है, कुछ दिनों की है। बस इसी सोच को अगर आप विकसित करते जाएंगे तो हर व्यक्ति के साथ कुछ पल गुजारना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये रिश्ता बहुत छोटा है। पता नहीं कब बदल जाएगा, कब नए रिश्ते इसमें आके जुड़ जाएंगे, कब पुराने रिश्ते हमारे अलग हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि हमें रिश्ता रखना किससे चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे गुरु ने कहा है कि आप जिससे प्यार करते हो उसमें कोई कमी मत देखो, और आप जिससे नफरत करते हो उसमें कोई अच्छाई मत देखो। मीन्स आपको जिसके साथ रिश्ता रखना है उसमें बुराई मत देखो, आपको जिसके साथ रिश्ता नहीं रखना है उसमें अच्छाई मत देखो। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिश्तों को जीना। अब ये सवाल उठता है कि हमें बुराई किस किस में नहीं देखना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि जो भी हमारे दोस्त हैं, दोस्त किसे कहते हैं, जिसे हम चुनते हैं वो हमारे दोस्त हैं। जो रिश्ते खून से नहीं बनते वो दोस्ती से बनते हैं, बड़े प्यार के रिश्ते होते हैं। जिनसे भी हमारा प्यार का रिश्ता है उसे आप दोस्ती का नाम दे सकते हैं। जो किसी बंधन में नहीं बंधे हैं लेकिन फिर भी हमें अपने लगते हैं, बहुत प्यार है उनके साथ, हमें वक्त गुजारना अच्छा लगता है उनके साथ, जब आप होते हो तो उनमें बुराई मत देखो। अगर आप उनमें बुराई नहीं देखोगे तो आपको हमेशा उनमें अच्छाई नजर आएगी, और उनके साथ आप जितना भी समय गुजारोगे बहुत पॉजिटिव गुजारोगे, क्योंकि समय बहुत कम है, रिश्ते की उम्र बहुत कम है। तो आप अगर अपने दोस्तों में बुराई नहीं देखते हो, दोस्त का मतलब वो सारे रिश्ते जो किसी रिश्तेदारी के बंधन से बंधे नहीं है, उन रिश्तों को हम दोस्त कह सकते हैं। उस रिश्ते में यदि आप बुराई नहीं देखते हो तो उस व्यक्ति से आपको हर वक्त मिलना, उससे बात करना, उसके साथ रहना आपको बहुत खुशियां देगा। आपके रिश्ते कितने मधुर हो जाएंगे, आप सोचिए आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। आप उनमें बुराई मत देखिए, नहीं तो क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा दोस्त अच्छा है या बुरा, मैं उसके साथ रिश्ता रखूं या ना रखूं। एक बार आपने सोच लिया है कि ये मेरा दोस्त है, उसके अंदर सिर्फ अच्छाई देखिए, क्योंकि हम सब लोगों में कहीं ना कहीं कमियां तो है। सिर्फ ऊपर वाला ही है जो पूरा है,
फर्क में फर्क हो सकता है। किसी के अंदर अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा होगा, किसी के अंदर बुराइयों का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो जब हमारे अंदर भी प्लस और माइनस पॉइंट है तो हम दूसरों के क्यों देखें? अगर देखना है तो आप अपने माइनस पॉइंट देखें, पर दूसरों के हमेशा प्लस पॉइंट देखें जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं। दूसरा पॉइंट कि किस में और अच्छाई देखिए, आप अपने सारे रिश्तेदारों में अच्छाई देखिए, उनके अंदर कोई बुराई ना देखिए, क्योंकि रिश्ते हमारे हाथ में नहीं होते। बहुत सारे रिश्ते हमारे जन्म से जुड़ जाते हैं। दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, बुआ चाचा, ताऊ, ये सारे रिश्ते हमारे बनाने से नहीं बनते, ये हमें जन्म से अपने साथ मिलते हैं। तो जिन रिश्तों को हम बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, उन रिश्तों के अंदर आप बुराई ढूंढोगे तो मन तो आप ही का दुखी होगा। और हर रिश्ते की उम्र कितनी है? आप किसी मामा से एक साल में कितने दिन मिलते हो? अपनी बुआ के साथ कितने पल गुजारते हो? अपने दादा के साथ कितना समय रहते हो? आप सोचिए, हर रिश्ते की उम्र तो बहुत छोटी है। जब इतनी छोटी सी उम्र में अगर आप बुराई ना देखो तो वो रिश्ता कितना मधुर होगा। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों के अंदर बुराई देखना बंद कर देंगे तो वही रिश्ते आपको खुशियां देने लग जाएंगे, क्योंकि आप जिनको बदल नहीं सकते उनमें बुराई देखना या अच्छाई देखना आपके हाथ में। एक गिलास खाली है, एक गिलास भरा है, या आधा गिलास खाली है और आधा भरा है, ये देखना आपके हाथ में। हर रिश्ते में कुछ न कुछ अच्छाई है, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई है। हम यदि उसकी अच्छाई को ढूंढने लगे तो अच्छाई हमारी ओर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज। आप उसके साथ अच्छा सोचोगे तो वो आपके साथ अच्छा सोचेगा, आप उसके साथ बुरा सोचोगे तो वो आपके साथ बुरा सोचेगा। तो हमारे हाथ में है कि हम सामने वाले के मन में अपने प्रति अच्छे भाव पैदा कर सकते हैं या बुरे, क्योंकि ये तो एनर्जी का एक्सचेंज है। पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो आपको रिटर्न में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप नेगेटिव एनर्जी देंगे तो आपको रिटर्न में नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। और तीसरे नंबर पे आता है कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जो इस दुनिया में है और जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके कदमों पे हम चलना चाहते हैं, जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, उनके अंदर बुराई मत देखो। जैसे कि हमारे गुरु, हमारे को आदर्श पुरुष, जैसे कोई गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, कोई विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, कोई लोहिया जी को मानता है, कोई किसी पैगंबर को मानता है, कोई गुरु नानक को मानते हैं, कोई किसी को मानता है। आप जिसको भी अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, वो हो सकता है आज आपके करीब हो या ना हो। और इसी श्रृंखला में हम लोग ले सकते हैं हमारे भगवान को। कोई राम को अपना आदर्श मानता है, कोई कृष्ण को, कोई ईसा मसीह को, कोई पैगंबर साहब। यदि उनके अंदर बुराई देखेंगे तो आप उनसे जो अच्छाई ले सकते हैं उससे वंचित रह जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके अंदर जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो कहीं ना कहीं रुक जाए। आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति के अंदर दो अच्छाई है और एक बुराई है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी इंसान थे। और हमारे देखने के नजरिए में फर्क हो सकता है, उनमें बुराई हो ही जरूरी नहीं है। तो अगर हम उनकी सिर्फ अच्छाइयों को देखें तो हम उनके नियमों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे इजीली चल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप अपने गुरु या कोई व्यक्ति गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। गांधी जी की हो सकता है 99 बातें किसी को पसंद हो, एक नहीं पसंद। आप सिर्फ 99 बातों को देखिए ना। अगर आप एक को देखेंगे तो हो सकता है 99 बातों को मानने के लिए भी आपका कहीं ना कहीं मन
डगमगाए कि मैं इसे भी मानूं या ना मानूं। इसी प्रकार हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, जो राम हैं, कृष्ण हैं, महावीर हैं, उनके जीवन की भी जरूरी तो नहीं कि हमें हर बात अच्छी लगी हो, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो कमजोर है, 100% हमें नहीं समझता है। हम जिसको सच समझते हैं कई बार वो सच नहीं होता है, जिसे हम कई बार गलत समझते वो गलत नहीं होता है। तो क्यों ना हम एक नियम बनाएं कि जो भी हमारी जिंदगी में अपने लोग ही, वो हमारे परिचित हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या वो आदर्श पुरुष हो सकते हैं, या वो भगवान हो सकते हैं, उनके अंदर यदि हम बुराई देखना बंद करते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि जिनसे हमें रिश्ता नहीं रखना है, आप उनके अंदर अच्छाई न देखो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमें तो हर इंसान में अच्छाई देखनी चाहिए। नहीं, जो हमारा दुश्मन है, जिसके साथ हमें रिश्ते नहीं रखने हैं, आप उनके साथ यदि अच्छाई देखोगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान दे जाए। कहाँ गलत है उनमें अच्छाई देखना, इस पर हम बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान के सैनिक किसी भी देश के सोल्जर, अगर विदेशी सोल्जर के साथ लड़ रहे हैं और वो अगर ये देखने लगे कि यार उसमें तो एक बहुत कम उम्र का बच्चा है या ऐसा है, तो वो नहीं लड़ पाएंगे, उनके हाथ कहीं ना कहीं कांप जाएंगे। वो दुश्मन में भी अच्छाई देखने लगे कि ये तो कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ये कितना प्यारा लगता है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है, अगर उसमें हमने कोई भी अच्छाई देखी तो हो सकता है कि हमें जो करना है, क्योंकि जब हम देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो उस समय जो भी सामने है वो हमारा दुश्मन है, हमें उस समय रक्षा का भार दिया है। अगर हम अपने दुश्मन में अच्छाई देखेंगे तो हम अपने दुश्मन को नहीं मार पाएंगे, और यदि हम उसे नहीं मार पाते हैं तो वो हमें आके मार देगा। देखिए, अगर हमने अपने दुश्मन में अच्छाई देखी तो नुकसान हमारा है, क्योंकि वो दुश्मन जैसे ही हमें वीक समझेगा हमारे नुकसान कर देगा। तो आप अपने दुश्मन में अच्छाई ना देखिए, क्योंकि अगर अच्छाई देखेंगे तो आप उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही आप उसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, हो सकता है वो आपको जो काम करना है उसमें आपका हाथ रुक जाए। इसलिए अपने दुश्मनों में अच्छाई मत देखिए। एक और सवाल उठता है कि जो लोग सचमुच में गलत हैं, बुरे हैं, जो इस देश का, इस समाज का, हम इंसानियत का बुरा करते हैं, आप उनमें अच्छाई मत देखिए। जैसे आतंकवादी लोग हैं या जो भी किसी भी तरह से किसी को हानि पहुंचाते हैं, उनके अंदर भी कुछ तो अच्छाइयां हैं, तभी तो लोग उनसे जुड़ते हैं। आप यदि किसी भी क्रिमिनल को देखेंगे तो उसके पास भी पावर है, पैसा है, कोई ना कोई चीज तो है जिससे दूसरे सारे देशों की सरकार उनके सामने झुकी हुई है, या बहुत बड़ा नेटवर्क को लेके चल रहे हैं, तो कैसे लोग जुड़े? होगा क्या कि आप उसके अंदर जब अच्छाई देखोगे तो आपका आकर्षण उसकी तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए एक क्रिमिनल व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा पावर है, बहुत सारा मनी है, को बाकी ये उसकी सारी चीजें तो वीक लग रही है, लेकिन आपका उसके पास जो पावर और मनी है वो अट्रैक्ट कर रहा है। आप क्या करेंगे? आप उससे पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हो पाएंगे, आपको वो पावर और मनी अपनी तरफ खींच लेगा और एक ना एक दिन आप उससे जुड़ जाएंगे। और यदि आप उससे जुड़ते हैं तो आप भी तो क्रिमिनल बन रहे, कहीं ना कहीं आप भी तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति
गलत है, उसकी हमने यदि एक अच्छाई भी देखी तो हमारा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे हम रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। और यदि हम उससे रिश्ता जोड़ते हैं तो उसकी बाकी की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट तो करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपका एक पड़ोसी है, वो शराबी है, अपने वाइफ को आकर रोज पीटता है, मारता है, लेकिन आपके साथ बहुत प्यार से बात करता है। आप बताइए, आपको उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? मेरा ऐसा सोचना है कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे थोड़ी मार रहा है, मुझे तो नहीं डांट रहा है ना। वो अपनी वाइफ को मारता है, अपनी वाइफ के साथ जो करना है करे, मेरे से तो प्रेम से बात करता, मुझे तो रिश्ता रखना चाहिए। मेरा सोचना है कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल वो अपनी वाइफ को मार के या झगड़ा करके या अपने बच्चों को परेशान करके आपके पास आके बैठेगा। आप धीरे से आपको लगेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, इसका दुख दूर करता हूँ। वो व्यक्ति क्योंकि गलत है इसलिए मैं उसके साथ बैठने को मना कर रही हूँ। आप यदि उसके साथ बैठते हैं तो पहले दिन तो वो आपके साथ बहुत प्यार से बात करेगा, हो सकता है 4 दिन बाद वो आपके कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे, हो सकता है 6 दिन बाद वो आपके साथ बैठकर पीने लगे, और हो सकता है कुछ दिन बाद वो आपसे भी झगड़ा करने लगे, क्योंकि झगड़ा करना उसका स्वभाव है, उसका नेचर बन चुका है। उसके सामने पर्सन बदलते जाएंगे, उसका नेचर नहीं बदल रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति के नेचर को बदलने की ताकत रखते हैं तब तो उस व्यक्ति के साथ बैठिए, और यदि आपको उस व्यक्ति का नेचर बदलने की ताकत नहीं है तो आप अपने आप को उससे दूर कर लीजिए, नहीं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ भी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो हमें ये देखना है कि जिनके साथ हमें रिश्ता रखना है आप उनमें बुराई मत देखिए, और जिसके साथ आपको रिश्ता नहीं रखना है आप उसमें कोई अच्छाई मत देखिए। आपकी रिलेशनशिप, आपकी खुशियां खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी, जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी आपको लगेगा यार ऐसा ही तो मैंने सोचा था। छोटी सी जिंदगी है और ढेर सारे रिश्ते हैं, हर रिश्तों के लिए बहुत थोड़ा सा समय है, और उन समय को आप यदि बहुत प्यार से गुजार लेते हैं तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी, क्योंकि एक एक पल से एक एक दिन बनता है, एक एक दिन से एक एक महीना और एक एक महीने से एक एक साल बन जाता है, जो जिंदगी गुजर कब जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे तो लोग हमसे अच्छे रिश्ते रखेंगे, और हमारी सारी की सारी जिंदगी खुशियां देते हुए और खुशियां पाते हुए बीत जाएगी।